नमस्ते दोस्तों, हैप्पी विश में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्रीय मूंगफली की चटनी। इस रेसिपी के लिए सामग्री की लिस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह को जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली रेसिपीज आप तक आसानी से पहुंचे। रेसिपीज पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट happilywish.com को विजिट कर सकते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंगफली के दानों को मध्यम आंच पर भून लेंगे। इसमें लगभग 6 से 7 मिनट लगेंगे। दोस्तों, मूंगफली में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही मूंगफली खाने से शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की बढ़ोतरी होती है, तो आप ज़रूर मूंगफली को अपने खाने में शामिल कीजिए और स्वस्थ रहिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मूंगफली के दाने भुन चुके हैं। अब हम इन्हें अलग प्लेट में निकाल के ठंडा होने देंगे, फिर इनके छिलके उतारेंगे। मूंगफली को इस तरह से हाथों में रगड़ कर छिलकों को दानों से अलग कर लेंगे। इसे करते समय आप नीचे पेपर का इस्तेमाल करें ताकि छिलके यहाँ वहाँ ना फैलें। सभी छिलके हमने उतार लिए हैं। अब चटनी बनाने के लिए मूंगफली के दानों के साथ मिलाएंगे लहसुन, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक और चीनी। अब हम इन सारी चीज़ों को पल्स कर लेंगे। बीच बीच में मिक्स करते जाएंगे और दरदरा ही पीसेंगे। चटनी तैयार हो गई है। और जैसे कि मैंने कहा था, हमने दरदरा पीसा है चटनी को, बिल्कुल पाउडर की तरह नहीं बनाया है। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।